नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टस के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पर्यावरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने की प्रबल संभावना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जितने सारे क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, मैं आपको 70 क्वेश्चन, हाँ फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो इस प्रकार है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? फ्रेंड्स, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में प्रवाहित होता है। हाँ फ्रेंड्स, उच्च बीओडी का संकेतांक क्या है? फ्रेंड्स, तो कार्बनिक प्रदूषण का है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। वैश्विक ताप की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किसका? फ्रेंड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड 54% पाई जाती है। डबल रोटी बनाने के लिए के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी? फ्रेंड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रेरक बल है तो सौर ऊर्जा। फ्रेंड्स, जैव विविधता का संवेदनशील स्थल कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, तो 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। स्वचालित वाहन उत्सर्जन का जैव संकेतक लाइकेंस होता है। फ्रेंड्स, कारक जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है, हाँ फ्रेंड्स, कारक जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है, कार्सिनोजेनिक। खरीफ की फसल क्या है? फ्रेंड्स, तो मक्का और धान। खरीफ की फसल क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का। कोयला अवशेष किसके हैं? तो वनस्पति के। फ्रेंड्स, अब हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, तो खाद्य जाल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी। पहली IPS अफसर कौन है? फ्रेंड्स, तो किरण बेदी है। प्रेजेंट टाइम पे ये राज्यपाल हैं। कहाँ की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। एक सींग वाला गैंडा मिलता है कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? फ्रेंड्स, तो बेसाल्ट। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा? सीस्मोग्राफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। सत्यात प्रकाश का लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। वायुमंडल में 99% भाग कर कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु दाब नापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर। बीटी कपास है एक ट्रांसजेसिक पौधा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आम पकाने में प्रयुक्त क्या होता है? फ्रेंड्स, तो आम पकाने में प्रयुक्त तो कैल्शियम कार्बाइड। दूषित जल पीने से होने वाली बीमारी टाइफाइड, हैजा, अतिसार। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। द्विबीजपत्री पौधा है तो सरसों। पौधे में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम में। कौन सा प्रथम ऋग्वेद का स्रोत है?
कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। कौन सी जनजाति स्थायी अधिवास बनाती है? संथाल। ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती? तो टुंडा प्रदेशों में। कुत्ता मछली का आवास है? समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तालाब। शांत घाटी स्थित है? केरल में। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कार्बेट, उत्तराखंड। स्तनधारियों की लार में एंजाइम होता? टाइलिन। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता? विटामिन डी। उत्तराखंड राज्य का प्रतीक है? मोनाल, कस्तूरी मृगा, बुरांस। ऊर्जा का अप्रदूषिकी स्रोत है? सौर ऊर्जा। पृथ्वी का ऊष्मायन ग्रीन हाउस गैस का पृथ्वी ताप में वृद्धि। कार्बन डेटिंग विधि वस्तु की उम्र ज्ञात करने में। अम्लीय वर्षा में मूर्तियों का क्षण कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। स्पर्श गंगा अभियान का उद्देश्य? गंगा की स्वच्छता। मिनी माता रोग औद्योगिक पारा अपशिष्ट में छोड़ने से होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव सुरक्षा हेतु IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। किस राज्य में पानी पंचायत शुरू हुई थी? तो महाराष्ट्र। ओजोन परत किनके किरणों से रोकती है? पराबैंगनी किरणों में। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक? सरला बहन। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई। 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक समुद्र है फ्रेंड्स। पर्यावरण क्षेत्र में दिए जाने पुरस्कार? वृक्ष मित्र है। रेगिस्तानी योग वृक्ष पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा मिश्रण है ताबा और टिन का। हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दृष्टि से देखता है चील, बाज, गिद्ध। काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे मुड़ा सकता है तो उल्लू। हाँ फ्रेंड, ये देखिए काफ़ी हद तक जो गर्दन पीछे कर सकता है उल्लू, और झटके से गर्दन पीछे करता है मैना। खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। मधुमक्खी पालन हेतु सबसे अच्छा है अक्टूबर से दिसंबर। नदी के प्रदूषण स्तर की माप BOD। वायरस से होने वाला रोग जुकाम। कृषि को प्रभावित करने वाले मौसमी तत्व दृष्टि है। वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कहलाती है मध्यमंडल। तो इसी के साथ क्वेश्चन की श्रृंखला अपनी समाप्त होती फ्रेंड्स। तो आप बताएंगे मेरा प्रयास कैसा लगा आपको, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक ओके, टेक केयर, बाय बाय।